कहीं भी जहां जिसका कितना कुछ रिजर्वेशन है वहीं तक जाकर तो रुक करना पड़ता है, नहीं तो पुलिस अरेस्ट कर लेगी। इसलिए सौ एक स्थान में जाएगा ये संभव नहीं है। और जितने मौत है उतने पाप है ये भी और संपूर्ण गलत है। जितने मौत उतने पाप हो तो उदाहरण दिया कि महाजन जैन पंथा धर्मराज युधिष्ठिर से बढ़कर के और नेता कौन होगा। दापर युग में कह सुनाया किसने पूछा था धर्मराय यम धर्म के सबसे बड़ा नेता है अरे है कौन वो सूर्यदेव के पुत्र है। और जो भगवत कथा है श्रीमन अर्जुन को कहा पहले इस कथा को सूर्य को कहा था तो सबसे पहले सूर्य को गीता के बारे में ज्ञान था उसके बाद औरों को पता चला धीरे धीरे बहुत जो के बाद सूर्य के पुत्र हैं महारायम। और वही पूछ रहे हैं युधिष्ठिर महाराज जी को युधिष्ठिर उत्तर दे रहे हैं तो महाजन को छोड़ करके और हम लोग उसको अपनाएंगे हमारा मृत्यु हो सकते है। इसलिए बताया गीता में शेष अधिकारी जा निष्ठा सब विचार सधर्म निधन से पर धर्म भयावह जो सधर्म का अपना धर्म अर्थात आत्मा धर्म आत्मधर्म के सिवा और धर्म में जाने पर हम लोग का पतन अवश्य भावी। सधर्म आत्मधर्म के बाद किसने कहा महाजन ने कौन महाजन स्वयं गुरु नारद कुमार को पुरोहन प्रकावजन को विष्णु बने कोई आसक्ति दादस महाजन है। तो गुरुजन कहते थे इस समय हमारे कलिजुग में कौन है हमारे गौड़ गुरुवर्ग महाजन है। इसलिए महाजन जैन वर्ग से पंथा और जो जितने मत इतने पथ की ये भी गलत है स्थान में जाएगा ये भी गलत है ऐसे उन्होंने खंडन किया था। अमेरिका में थे उधर उन लोग एक सेंटर है गुरु जी को निमंत्रण किया था उनको प्रधान वक्ता किया था गुरु जी के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर माथुर है ये ऑर्गेनाइज किया था। वो लोग सब विवेकानंद के फॉलोअर से गुरु देखिए ये विवेकानंद क्या है इंडियन फिलोसॉफी के ऊपर आभास दिया था वो संपूर्ण नहीं अंश भी नहीं। जैसे रात के बाद सूर्य उठने के पहले थोड़ा सा प्रकाश दिखता है थोड़ा दुनिया किसको पहचान नहीं सकते ऐसे विवेकानंद सुंदर सब होता है संपूर्ण गलत है। आप इसको भी गौमानन कर रहे हैं जो भागवत में या गीता में कहा गया इसके बाद सुनने पर आपको अवाक हो जाएंगे। तब तो मुझे बताया मेरे शिक्षा गुरुदेव जो भक्ति स्वामी महाराज जी आकर के उनका जो विवेकानंद की फिलोसफी था उनको आप लोगों सबको समझाया ये संपूर्ण गलत है। तो लोग गुरु जी को प्रश्न पूछा तो आपके देश से आए थे ये गलत बताया गुरु जी ने बताया देखिए उस समय आप लोग इतने ही अधिकारी थे इससे अधिक अधिकार आप लोगों को नहीं था इसलिए आप लोगों को उतने ही संतुष्ट होना चाहिए था इसे इतना बताया। और उस समय भी भारत से वही लोग आए थे जो इतना जानते थे इसे अधिक जानकारी वाले में नहीं आए थे। जैसे जब गुरुदेव ने बताया कि मेरे शिक्षा गुरुदेव श्री भक्तिवरण स्वामी महाराज आके बताया कृष्ण स्वयं भगवान है मैं आया ये कहने के लिए आपको ये भूलना पड़ेगा कि कृष्ण स्वयं भगवान है। इसका अर्थ ये नहीं है मैं अपनी शिक्षा गुरु का विरोधिता कर रहा हूँ आप लोग को अधिकार से उतना ही था इसलिए उतना ही बताया। अब देखा आप लोग अधिकार बड़ा है इसलिए मैं से जवाब बता रहा हूँ। ऐसे गुरु जी ने भक्ति के बारे में सुनाया और गीता का जो सर्वोपरि ग्रंथ है मन मना भव और पर तस्वीर का व्याख्या कर सुनाया। फिर जो आपने धर्म सुना गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता भी इस संबंध में श्री गुरुदेव ने बताया था इधर गुरु कृष्ण का अर्थ क्या है। इसका एक अर्थ तो ने बताया दूसरा अर्थ क्या है गुरु रूपी कृष्ण की कृपा से गुरु रूपी कृष्ण के प्रसाद से उनको भक्ति लता का बीज मिलता है। इधर गुरु को आश्रय कृष्ण या आश्रय भगवान कहा गया है क्यों जैसे शास्त्र में कहा कृष्ण भक्त
संचालित कृष्ण भाव का ही कृष्ण का सब संचालित होता है। तो सुंदर मालिक प्रश्न पूछ सकते हैं कि कृष्ण के 64 गुण है, तो क्या गुण 64 गुण है? जीव में तो 50 गुण तक बताया और श्री ब्रह्मा में 55 गुण, कृष्ण में 60 गुण, कैसे क्यों कहा गुरु जी के लिए या कृष्ण भक्त के लिए? क्या हमारे शास्त्रों का गलत कहा? हमारे शास्त्रकार के अंदर 4 दोष नहीं, हम प्रमाद विचलित करना पड़ता है। हम सामंजस्य कैसे करें? भगवान के प्रधान 6 गुण है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य रसस्य ज्ञान वैराग्यस्य सन्नान भव इति गणा, जिसके 6 गुण है, संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण जस और श्री सौंदर्य, ज्ञान और वैराग्य, ये 3-6 गुणों को भगवान कहा गया है। और आश्रय भगवान ने क्या है? वेत्ति वित्ताम वित्तांश्च भूतानां गतिं गतिं उत्पत्ति प्रवस्थैव सवाच्यो भगवान इति। वेत्ति वित्ताम वित्तांश्च, जो विद्या जानते विद्या था सा विद्या मनोदीजया और विद्या भगवतावधि। विद्या का चरण सीमा कहाँ है? श्रीमद् भागवत। और सा विद्या मनोदीजया, जिस ज्ञान के द्वारा भगवान के श्री चरण में हमारा बुद्धि स्थिर हो जाए, उनको विद्या कहा गया है। ये जो अच्छी तरह से जानते हैं दूसरे को कह सुनाते हैं। अविद्या, जो अविद्या के बारे में अच्छी तरह जानते हैं, अविद्या अर्थात न विद्या अविद्या, कृष्ण को भूलना ही अविद्या है, भागवत को नहीं जानना ही अविद्या है, भक्ति फिलोसफी न जानना ही अविद्या है, और इसमें जिनका बंधन होता है, व्यक्ति विद्या अविद्यांश्च भूतानां अगतिं गतिं, और जीवों का गति कैसे हो और अगति कैसे हो, गति कैसे हो? सद्गुरु चरणाश्रय कर गुरु कृष्ण के अनुगत में भजन करने पर क्या होगा? एक दिन उनको गोलोक वृंदावन पर गति मिलेगी। और अगति जैसे भजन कर रहे हैं, भजन करते हुए हम चाहे न चाहे हमारे प्राक्तन संस्कार के कारण कुछ अपराध हो जाता है, हम जानबूझ करके किसी को नीचा दिखाने के लिए मीटिंग करके बस अपराध करते हैं, गति क्या है? अगति होगा, अगति का न अगति ये होगा ही, बात तो कोई रुक नहीं सकते। और उत्पत्ति प्रवाहश्चैव, उत्पत्ति सृष्टि, भक्ति के हृदय भक्ति कैसे हो और भक्ति नष्ट कैसे हो, ये अच्छी तरह से जानते हैं, उनको बताया। सवाच्यो भगवान इति, उनको भगवान कहा गया। कौन भगवान? आश्रय भगवान। ऐसे जो कुछ सतगुरु पार पद्म जो आश्रय भगवान है, उनकी कृपा से मुझे साधक को भक्ति मिलता है। इसे कहा गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, एक अर्थ है गुरु कृष्ण की कृपा से, और दूसरा अर्थ है कृष्ण प्रेरणा देकर के शिष्य को साधक को भेजते हैं, और आश्रय भी भगवान, आश्रय भी कृष्ण कृपा से भक्ति लता का बीज मिलता है। गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता, जैसे उदाहरण देते थे कुमार का कहा मिला, उनके जो जो भक्त थे जनसन कमाखा देवी से मिला, वो परम वैष्णवी है तो उनके सदगुरु है, ऐसे मिला। और जो दूसरा उनका महिमा है सुशीतल तिवारी महाराज जी का, वो रसगुल्ला खाने बहुत उनको बहुत पसंद है रसगुल्ला, तो ये समय दो बार गया था वो नारायण मां जी से छोड़ सेवक को बताया रसगुल्ला ले आओ, मां जी रसगुल्ला के बहुत पसंद करते थे और कोई आने पर खिलाते थे। और उनके कैसे हमारे परम देवपति समर्पित आत्मा के बता सिद्धांत गोस्वामी महाराज सिद्ध स्वरूप ब्रह्मचारी होकर जब मठ में योगदान किया, उसके बाद में वापिस चले गए थे, पता है मठ में सिद्ध बड़े बड़े सिद्धांत है, मुझे भी कुछ सीखना पड़ेगा, गए घर में। फिर परम गुरुदेव जाकर के उनको फिर घर से ले आए वापिस, इसलिए परम गुरुदेव तो अवगत थे। एक समय क्या है, जैसा मठ महोत्सव होता है ऐसे मठ महोत्सव पहले भी होता था, और उत्सव के लिए सब्जी खरीदा गया, एक बैग में जो बोरा है एक होता
भाइयों में भोजन है, मेरा कर्तव्य गुरु की सेवा करना है, इसलिए मैं बड़ा लूंगा आप छोटा लीजिए। तो इसमें चक्र चल रहा है, लोग तो बाप आ गए, लोग फाकी मार चाहते हैं, कौन में से दो लोग बड़े देने के लिए लड़ाई कर रहे हैं, आदि में पावन मंदिर को लोग बड़ा उनको देना पड़ा छोटा लिया दिखाई। ये सब मुझे गुरु जी से मैं बता रहा हूँ। एक बात बताया श्री गुरुदेव ने, वही मास्टर तो धारा पर
संत नीति और स्वामी महाराज जी भारत से आए थे, स्वामी भक्त वेदांत नारायण जी महाराज आए, उन लोगों ने विश्व में क्या किया बताया है अमेरिका वासियों, सिर्फ प्रीति रखना पड़ेगा और गले में माला बांधो। जो लड़कियां ऐसे पुरुषों को धोती पहना दिया, ये वेजिटेरियन बना दिया, ये तो जीवन में परिवर्तन कराया। यही सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण चीज हुआ कि लोगों को भक्ति करके भगवान का भजन करके बोले सेवा राधा कृष्ण की भक्ति करो भजन करो, उन भजन करके क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा वो बात की बात है। Biscuit, so of our both, we are in both.